हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू Q&A वीडियो ऑन माय YouTube चैनल। सो पूरा देखना वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछे, मैंने Instagram पे स्टोरी डाली थी, वहां आपने क्वेश्चन में से बहुत अच्छे अच्छे पूछे हैं, तो उनके आंसर मैं अब दूंगा। तो पूरा एंड तक देखना वीडियो को। एंड मैं सॉरी कहना चाहूंगा उनके लिए जिनके क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज सम क्वेश्चन जो थे वो दोबारा रिपीट हो गए थे, एंड कुछ मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने कुछ लिया नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करो। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू मेड फर्स्ट वीडियो व्हाट माइंडसेट यू हैव? सर जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी शिवम, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था यूट्यूब से, तो मैंने बेसिकली एक वीडियो शूट कर दी, और मतलब मुझे मेहनत लगी वीडियो शूट करने में, एंड मैंने पोस्ट कर दी थी। मतलब ये मैंने ये सोचा था कि बस लोग देखेंगे और मुझे कुछ अच्छा लगा, मतलब मैंने वैसे ही अपने शौक के लिए मैंने ये वीडियो बना दी थी। ब्रो जितनी जल्दी हो सके पंजाब में व्लॉग बनाने आ जाओ, फुल फन करेंगे। बेसिकली मेरा पंजाब का व्लॉग है, अगर दो दो व्लॉग है मेरे, प्लेलिस्ट देख लीजिए आप, चेक कर सकते हैं। एंड पंजाब में ये लॉकडाउन खत्म होगा तो पंजाब जरूर आऊँगा, फिर ज़रूर मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डे। बेस्ट डे मेरा वो था जिस दिन मेरे को खालसा कॉलेज से मुझे मेल आई थी कि आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, मेरे लिए वो बेस्ट डे था। मेरे को मतलब ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन था उधर, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, मुझे बहुत खुशी हुई थी उसके लिए। हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट इट इन योर यूट्यूब जर्नी? मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में मैंने कैमरे परचेज किए हैं, एंड मैं घूमने में भी इन्वेस्ट करता हूँ। सो मतलब कुल मिला के मतलब एक मैंने 70,000 का भी एक कैमरा लिया, एंड मैंने GoPro लिया था 25,000 का। एंड घूमने में जो इन्वेस्ट करता हूँ नॉर्मली 5,000 की जो टिकट होती है फ़्लाइट की, मतलब यही है और कुछ नहीं होता इसमें। भाई यूट्यूब इंस्पिरेशन कौन है ब्लॉगिंग के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सो इसका आंसर ये है दुलेश अग्रवाल 200 जर्नी, जिनका चैनल है, और फ्लाइंग बीस्ट, वो भी मेरे मोटिवेशन है बहुत ही अच्छे। टॉप 3 ट्रैवल ब्लॉगर्स ऑन यूट्यूब। टॉप 3 ट्रैवल ब्लॉगर्स मेरे लिए जो मैं मानता हूँ वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मो व्लॉग्स हैं, एंड गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट हैं, एंड मेरे लिए जो थर्ड वन है वो है दुलेश अग्रवाल 200 जर्नीज। रिस्पेक्ट है उनके लिए, आप चैनल देखना उनका और कंटेंट देखना कितना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब इनकम से पार्टी मिलेगी भी या नहीं? यूट्यूब इनकम से पार्टी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी यार, बट एक बार एक अच्छे प्लेटफॉर्म में मैं स्टैंड होता हूँ, मैं मुझे मज़ा भी है पार्टी देने में, फिर साथ मिलकर सारे पार्टी करेंगे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर इनकम। थैंक यू तुबा, थैंक यू सो मच। इतना क्रिएटिव कंटेंट कहाँ से ढूंढता है ब्रो? ब्रो मैं बेसिकली मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे आप मेरे व्लॉग देखते हो, और जैसे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो और रिस्पॉन्स दिखाते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी और अपने आप ही क्रिएटिव होती जाती है। बस आपका सपोर्ट होता है, बस ये आपका सपोर्ट और कुछ भी नहीं है। सो आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आना है? सर नेक्स्ट व्लॉग मेरा जहाँ तक मैं चाहता हूँ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मेरा व्लॉग आएगा। सो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उससे पहले भी एक व्लॉग आए। भाई वीडियो किस ऐप से एडिट करता है? बेसिकली मैं कोई ऐप से एडिट नहीं करता, मैं एक सॉफ्टवेयर से एडिट करता हूँ, इसका नाम है वंडरफेयर फिल्मोरा 9। प्लीज़ शेयर टिप्स फॉर योर फ्रेंड्स हाउ दे कैन एक्सेल इन यूट्यूब। मेहनत करते जाइए यूट्यूब पे, एक दिन आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, बस हार्डवर्क करना है आपने। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे है? अगली वीडियो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक मैं चाहता हूँ करतारपुर कॉरिडोर पे बने, बट वो नहीं बन पाएगी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ब्रो शुड वी रियली डिपेंड ऑन यूट्यूब फॉर इनकम? आई डोंट थिंक सो। यस ब्रो मैं भी यूट्यूब इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहता, बिकॉज मतलब यूट्यूब पे मेरी इतनी इनकम आए तो मैं इसके लिए काम करूँ? मैं सिर्फ अपने पैशन के लिए काम करता हूँ। और मैं भी आपको, अगर आप कभी यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो कभी पैसे के लिए कभी काम मत करना। पैसा आप बहुत तरीक़ों से कमा सकते हैं बिकॉज, बट फेम और आपकी जो रिस्पेक्ट जो इससे वैल्यू आएगी वो यूट्यूब से, वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जस्ट आफ्टर लॉकडाउन करतारपुर पाकिस्तान, बट उसके बाद मैं इंडिया में मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई डेस्टिनेशन रखूँ, लाइक अमृतसर, या फिर मैं कोई हिल स्टेशन जाना चाहूँगा। सक्सेसफुल होने का राज? बेसिकली अभी तक मैं खुद ही सक्सेस नहीं हुआ, अभी मैं उस स्टेप पे हूँ मैं सक्सेस होने के लिए, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तो जब हो जाऊँगा जब यहाँ पब्लिक में व्लॉग बनाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? भाई यही है, अगर आप मोटिवेशन देते हो, जैसे मैं ये सोच के मैं व्लॉगिंग करता हूँ कि बस आगे मेरे इतनी इतनी पब्लिक है और इतने लोग हैं, मैं इसको सोच के मैं व्लॉगिंग करता हूँ और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मिसिंग स्कूल डेज भाई, सेम एयर। व्हाट्स योर बेस्ट जर्नी येट? बेस्ट जर्नी मेरी, बेस्ट तो मेरी सारी बेस्ट है जर्नी, बट जो बेसिकली मेरे को मेरी फेवरेट है वो है मनाली कसौल, जिसकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वो जरूर देखना आप जाके। डिड यू मेट फ्रेंड्स वाइल ट्रैवलिंग? इफ़ येस, हाउ द एक्सपीरियंस? येस मेरे बहुत फ्रेंड्स बनते हैं जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं क्या कैमरा लेके आप क्या कर रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग है, ब्लॉगर हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं? मैं बताता हूँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है मेरे बारे में पूछते हैं, तो और वही वीडियो देख के वही कमेंट करते हैं कि हम मिले थे इस टाइम पे,
सो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है। नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ बनाइयो, बिल्कुल अमन भाई, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल आपके साथ बनानी है। इंस्पिरेशन कौन है ब्लॉगर का, मेन सेम मैंने बता दी कुणाल, जब बाहर जाऊंगा तब भी वीडियो बनाइयो, बिल्कुल भाई मुझे पता है आपने कनाडा जाना है और आपके लिए बिल्कुल आपके साथ एक व्लॉग जरूर बनेगा, डन है। कितने अर्न कर लेते हो पुलकित ट्रैवल से? बेसिकली यार इतना अर्न कर लेता हूँ कि यूट्यूब का थोड़ा बहुत जो मैं ध्यान देता हूँ उस पर मैं स्पेंड करता हूँ यूट्यूब पे, एंड अपना पर्सनल एक्सपेंस, कॉलेज के, मतलब सब हो जाता है। सो बेसिकली इतनी नॉर्मल सी इनकम हो जाती है बस। हरियाणा का ब्लॉग कब आ रहा है? बिल्कुल आएगा हरियाणा का ब्लॉग, जरूर आएगा, पूरा आएगा हरियाणा का ब्लॉग, बहुत जल्द आएगा। भाई पाकिस्तान के लिए वीज़ा चाहिए या बजरंगी स्टाइल से चले जाते हैं? नहीं मैं तो वीज़ा लेके जाऊंगा, बाकी आप बजरंगी स्टाइल से जा सकते हैं तारों के नीचे से। कुनाकरण, आर यू सीरियस अबाउट पाकिस्तान ब्लॉग? बाय द वे लव योर ब्लॉग्स, थैंक यू एलेक्स कैम। यस आई एम सीरियस अबाउट पाकिस्तान ब्लॉग्स, मैं बिल्कुल जाऊंगा, जब मैंने कमिटमेंट कर दी मैं जाकर रहूंगा, बट गवर्नमेंट भी तो रिस्ट्रिक्शंस ना दे तो मैं ज़रूर जाना है मैंने। वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट द चैनल? द स्टार्ट द चैनल मुझे इंस्पिरेशन आई थी कि मतलब उनकी मैंने एक 200 जर्नीज की वीडियो देखी थी कि आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैंने वो चीज़ ध्यान रख के मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। टेल अबाउट योर वीकनेस। मेरे पेरेंट्स भी मेरे वीकनेस हैं और मतलब स्ट्रेंथ भी, दोनों ही मेरे वही हैं। मेरे फ्रेंड्स भी मेरी वीकनेस भी हैं और मेरी स्ट्रेंथ भी हैं, वो। क्या कभी सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिली? क्वेश्चन फ्रॉम सोनम। नहीं नहीं मैंने इतना सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, और अपना यूट्यूब पे करियर पे ध्यान देते हैं बस। विकास पुरी, आओ मोमोज खिलाऊंगा, बेस्ट है वहाँ के। बिल्कुल प्रीतु भाई, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आपने बुलाया इतने प्यार से, बिल्कुल आएंगे, ब्लॉग बनाएंगे आपके साथ। आई सी ऑल ऑफ योर वीडियोज, वेर यू कैन सी द चैनल इन द अपकमिंग ईयर ऑफ 2? यार मैं चाहूँगा मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो, बस मैं ये चाहता हूँ सपोर्ट करो। हाउ आर यू पासिंग योर टाइम इन लॉकडाउन पीरियड? बस भाई एडिटिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, बस यही करते हैं यार। व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू दिस वीक? मतलब इस वीक में तो नहीं, बस इस मंथ में मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मुझे खालसा कॉलेज में फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो मैंने बताया मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो वाली। ऑनलाइन क्लासेस में क्या करता है तू? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते तो नहीं है सच बताएं तो, बस ऐप ऑन करके जूम पे कोई ना कोई यूट्यूब चला लेते हैं या कभी कुछ और काम करते रहते हैं। लद्दाख के व्लॉग कब बनाएगा शशांक भाई? लद्दाख के व्लॉग बहुत जल्दी आएंगे, 2020 में तो नहीं आ सकते, 21 में ज़रूर आएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेज, सो वट आर द प्रॉब्लम्स एज अ बिगिनर यू फेस वाइल ट्रैवलिंग? बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं यार, पहले आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी पहले मुझे, बट मैं फिर भी मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, मैं 11th 12th में मैंने स्टार्ट कर दिया था सोलो जर्नी करना, मतलब बहुत डिफिकल्टी आई थी। वट जर्नी गॉसिप्स इज ऑल अबाउट? जर्नी गॉसिप्स एक यूट्यूब पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपको डिजिटली ट्रैवल कराते हैं और चाहते हैं कि अगर आप कहीं नहीं जा पाते तो आप हमारी वीडियो के थ्रू डिजिटली ट्रैवल कर लें, या फिर अगर आप कहीं जाना चाहते तो आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि ये जगह ऐसी है और आपको ऐसे जाना है, बजट ट्रिप में जाना है। सो बेसिकली जर्नी गॉसिप्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। व्हाट्स योर फीलिंग व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब? यार बहुत खुशी होती है जब मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब से पेमेंट आ गई, आप पे मेल आई है, आप पे सब कुछ मतलब नोटिफिकेशन आई है, सो बहुत नेक्स्ट लेवल वो वाली फीलिंग होती है। व्हाट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग यू एवर डन? यार ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन अब तक का, जब मैंने करा था मैं बताता हूँ, सो मतलब मेरे को जज मत करना इस चीज़ पे। एक बार मैं पंजाब जा रहा था, मतलब मेरा ब्लॉग भी आपने देखा, तो जो मेरे साइड वाले अंकल थे तो मुझे ब्लॉगिंग करते देख रहे थे, मेरे से मतलब थोड़ी अटैचमेंट हो गई थी, फ्रेंड्स बन गए थे अंकल के साथ, बातें शेयर कर रहा था मैं अंकल के साथ। सो क्या हुआ, सो जैसे ही मैंने लंच किया था अभी, मैंने आलू खाए थे एंड चावल खाए थे मैंने, तो उसके बाद जैसे मेरे पे नैपकिन नहीं थे, मेरे को आलस आ रहा था हाथ धोने में, तो मैंने अंकल का कॉलर सही करने, मतलब जैसे कॉलर ऐसे था उनका, तो मैंने सही करने के चक्कर में उनके मतलब सारी सब्जी लगा दी थी इधर, और अंकल को पता भी नहीं लगा होगा, मतलब जब वो डेस्टिनेशन उतर गए होंगे, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा था, मतलब मेरे लिए वो इतनी वियर्ड फीलिंग थी ना, मतलब क्रेजिएस्ट थिंग मैंने अब तक यही किया है यार, मुझे जो याद है। व्हाट विल यू चूज, लव और मनी? डेफिनेटली व्लॉगिंग करना कितना टफ था तेरे लिए? बहुत टफ था यार व्लॉगिंग करना स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा, पर अब मज़ा आता है क्योंकि सपोर्ट मिलता है आप जैसे लोगों का, और जब लोग देखते होंगे तो इग्नोर कैसे करता था, इग्नोर बस यही है यार, पहले नहीं कर पाता था, बट मैं मोटिवेशन आपसे मिली, फिर मैं इग्नोर करना भी सीख गया। आपको वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल बनाने की इंस्पिरेशन किससे मिली? हाउ यू मैनेज विद दिस स्टडीज़? सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया, मैनेज विद दिस स्टडीज़, मैंने स्टडीज़ का बहुत मुश्किल से मैनेज किया, बिकॉज मेरी उस टाइम 12th थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, 11th में बेसिकली करती था, बट 12th में मैं ज़्यादा ध्यान देता था, बट मैं फिर भी कर लिया, बिकॉज मैं सुबह जागता था और पढ़ने के लिए, एंड मैं रात में व्लॉगिंग करता था या एडिटिंग करता था, तो मैं ऐसे ही मैंने अपना मतलब मैनेज किया स्टडीज़ के साथ 12th में। तू कौन सी कॉलेज में है और क्या कर रहा है?
मैं इस टाइम PGDAV कॉलेज में हूँ, मैं वहाँ से BA कर रहा हूँ एंड मैं इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन वहाँ से मैं BTS कर रहा हूँ, द बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़। YouTube से इनकम स्टार्ट हो गई, कितनी इनिशियल इनकम, इसके लिए फ्रेंड कुणाल नई वीडियो बनाएंगे यार, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो। हाउ टू मेक अ पेज ऑन YouTube, आप YouTube पे चैनल बना, बहुत सिंपल, आप कोई भी कंटेंट अपना अपलोड करिए, धीरे धीरे उस पर रिस्पॉन्स आए, आप उसको रजिस्टर कर दीजिए YouTube पे एंड YouTube स्टूडियो पे, तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। समथिंग अबाउट अपकमिंग कंटेंट्स, तमन्ना मेरे नेक्स्ट कंटेंट रहेंगे बेसिकली मैं पाकिस्तान के एंड इंदौर के, सो गुजरात भी मैं कवर करूँगा इस बार, जम्मू कश्मीर जो अक्टूबर में मेरा प्लान था बट अब शायद पोस्टपोन होता जाएगा, 2021 में मैं गोवा भी कवर करूँगा, लद्दाख भी कवर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। एग्ज़ाम कैंसिल होंगे क्या कहें यार इसके लिए, हमें तो पता नहीं यार, डिपेंड करता है। टेल मी हाउ यू मैनेज दैट योर व्यूअर्स नॉट गेट बोर्ड इन द टफ टाइम, यार मैं कंटेंट बनाने की तो कोशिश करता हूँ, वो आपको पसंद आए ना आए, मैं नहीं चाहता आप बोर हो, मैं कंटेंट बना रहा हूँ इस टाइम। हाउ यू मैनेज योर डेली लाइफ विद द टफ वर्क ऑफ व्लॉगिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए पहले टफ था बट अब टफ नहीं है, सो मैं मैनेज कर लेता हूँ इसको डेली लाइफ से, मतलब मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि इसमें अच्छा बने मेरे लिए काम। एक टाइम्स फिक्स कर रखा है, स्टडी का अलग और व्लॉगिंग का अलग। डेली क्वारंटाइन रूटीन, खाओ पियो, नेटफ्लिक्स चलाओ, घर वालों की गालियाँ सुनो, ताने सुनो और सो जाओ। वेयर डिड यू स्टार्ट योर चैनल, बट वॉज देयर एनी डिफिकल्टी वाइल व्लॉगिंग फर्स्ट टाइम? बेसिकली मेरा जो चैनल स्टार्ट हुआ था तो मैंने 2016 में कर दिया था, बट मैंने जो फर्स्ट अपनी कंटेंट क्रिएट किया था मैंने फेब में किया था, जो मेरी जो वीडियो थी वो मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन में वो शूट हुई थी, बिकॉज उसका मेमोरी कार्ड जल गया था, पूरी वीडियो शूट होने के बाद फिर मैं दोबारा गया था वीडियो शूट करने, सो मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाइल व्लॉगिंग फर्स्ट टाइम? यस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई फर्स्ट टाइम, तो हर एक चीज़ मुश्किल होती है यार, 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम भी होता है, वो बहुत मुश्किल लगता है, ऐसी मेरे लिए ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल थी यार स्टार्टिंग में। भाई कैसे आया आइडिया यूट्यूब चैनल बनाने का? लव योर ब्लॉगिंग स्टाइल, थैंक यू मधुर। वीडियो यूट्यूब का आइडिया मेरे को आया था बेसिकली, मैंने बताया ही, बस मुझे शौक था भाई यूट्यूब पे आने का, सो मैंने वीडियो तो मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया अपना, मैं मेहनत कर ही रहा हूँ उस पर भी। घर वाले सपोर्ट करते हैं यूट्यूब चैनल को? बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर तो मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वट इज़ योर फेवरेट वर्कआउट? बेसिकली मैं कार्डियो करता हूँ बस, और कोई वर्कआउट मैं करता नहीं हूँ यार। टोटल अर्निंग टिल नाउ फ्रॉम यूट्यूब, यार बेसिकली इसकी मैं नई वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर से बताऊंगा इसमें, नेक्स्ट क्यों में छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। पुराने किले पर बनाओ एक वीडियो और दिखाओ कपल्स का सीन, उनसे क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा मैं सुधांशु भाई, साइको म्यूजिक एंड आपका जो कंटेंट है ना, मुझे रैप बहुत अच्छा लगता है दिल से, मैं आपका दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ, सो मुझे कुछ टिप्स देना यार, मुझे आपके जैसा बनना है यार। भाई यूट्यूब पर रीच कैसे इंक्रीज़ करो? भाई बेसिकली डेली वीडियो डालो, जैसे मैं रहा तो ट्रैवलिंग का है तो मैं कभी कभी डालता हूँ, बट अगर आपका फिटनेस का चैनल लेता हूँ आप रोज़ वीडियो डालो और उस पर आपको रिस्पांस बिल्कुल मिलेगा, रीच मिलेगी आपको। भाई घूमने कब ले जा रहा है? एक लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बिल्कुल घूमना चलेंगे बिल्कुल। अगला व्लॉग कहाँ का आएगा? नेक्स्ट व्लॉग बेसिकली मैंने सोचा है कि अमृतसर का मैंने सोचा है इसके बाद, और अगर बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो मैं दिल्ली के व्लॉग्स भी लाऊंगा ही लाऊंगा, दिल्ली का पूरा कवर करूंगा, लोकल मार्केट वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू वांट टू मेक वीडियोस विद यू विल यू टेक? यस ऑफ कोर्स, यू आर ऑलवेज वेलकम नायरा, कभी भी आएँ आप वीडियो, मैं व्लॉग शूट करूंगा, मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम मेरे से कनेक्टेड रहें सारे, एक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे उसका कैप्शन आ रहा हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इज देयर एनीवन यू वुड लाइक टू पार्टनर विद ऑन अ स्पेशल एपिसोड? यस, अगर मैं YouTube फैन फेस्ट या YouTube के किसी भी इवेंट में जाना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, अगर फैमिली नहीं रह पाती तो मैं चाहूँगा मेरा फ्रेंड मुकुल मेरे साथ रहे, बिकॉज मेरे टफ टाइम में मेरी हर एक वीडियो मेरे साथ रहा है। एनी स्पेशल प्लान फॉर योर 1000 सब्सक्राइबर्स? यस, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, मतलब बड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा प्लान मैंने सोचा है, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा ऐप यूज़ करते हो क्वारंटाइन टाइम में? इंस्टाग्राम, और इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ लूडो, लूडो तो मेरा इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ हुआ, मतलब यार लूडो तो मैं बहुत खेलता हूँ और बहुत जीता हूँ, अगर आप में से कोई चाहता है कि मेरे साथ लूडो खेले तो इंस्टाग्राम पे मुझे कोड भेजे, लूडो किंग बनाऊंगा इस टाइम में। डाल दो ना कॉफ़ी, बनाई क्या? नहीं यार अभी तक नहीं बनाई मैंने, सीरियसली मैंने अभी तक नहीं बनाई। हाउ मच यू डू टू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट? शुभम पीडिया, सो शुभम इसका सिंपल सा आंसर मैं बताता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए मैं इतना ज़्यादा लेवल क्रॉस नहीं करूँगा, बट मैं
कंटेंट अच्छा बनाने के लिए अगर आप मेरे को बोलेंगे वो कंटेंट बनाओ, तो मैं उसके लिए सारी अपनी मेहनत लगा सकता हूँ, मतलब सब्सक्राइबर्स के लिए मेहनत लगाऊंगा, बट जो आप कंटेंट मुझे बनाने के लिए बोलेंगे उसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत लगाऊंगा। व्हाट्स योर परसेंटेज इन 10th एंड 12th एंड डू यू वांट टू मेक अ यूट्यूब एज अ करियर? 10th में आए थे मेरे 78% एंड 12th में आए थे मेरे 85% एंड बात रही यूट्यूब एज अ करियर, सो यस मैं चाहूँगा यूट्यूब ऐसा करियर रहे, बट मैं अपने कोई भी उस चीज़ के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, लाइक मैं अपने बिजनेस में भी, अपने स्टडीज़ में भी एंड यूट्यूब पे, मैं तीनों चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। योर बेस्ट जर्नी, अब तक की मेरी बेस्ट जर्नी जो रही है वो रही है मनाली कसौल की, जो मैंने बताई है अभी। सो ये थे कुछ आपके क्वेश्चन, तो अगर जिनके क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, बिकॉज यार बहुत सारे क्वेश्चन थे और वीडियो काफ़ी पहले लंबी हो गई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई आंसर या कुछ भी रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन पूछो, तो मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा उसका। सो कैसी लगी ये वीडियो कर देना लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब। दिस इज पुलकित तनेजा साइनिंग अप फ्रॉम जर्नी गॉसिप्स, थैंक यू वेरी मच।